नमस्कार, मैं एस्ट्रोलॉजर सरिता गुप्ता। कार्यक्रम कुंडली ज्ञान में आपका बहुत बहुत स्वागत है। कैसा रहेगा साल 2017 सिंह राशि वालों के लिए? शनि आपके पांचवें भाव में प्रवेश कर रहा है। आपके वैवाहिक जीवन के लिए सुखद स्थितियां बनेंगी, लेकिन संतान पक्ष से कठिनाइयां आ सकती हैं। गर्भवती महिलाओं को विशेष सावधानी बरतने की जरूरत है। झूठे आरोपों और कठिनाइयों का आपको सामना करना पड़ सकता है। जो भी निर्णय लें, सोच समझ कर लें। किसी पर भी आंख मूंद कर विश्वास ना करें। रुके हुए कार्यों के बनने का योग बन रहा है। सफलता आपको आत्मविश्वास भी देगी और नए निवेश के अवसर भी प्रदान करेगी। धन व्यापार की बात करते हैं, पैसे के मामले में यह साल अधिक सौभाग्यशाली रहेगा। आपके पास अलग अलग साधनों से पैसा आएगा, लेकिन फिजूल खर्ची से बचना होगा। लोन व कर्जे से भी इस साल मुक्ति मिलने की संभावना है। बिजनेस करने वालों को प्रोफेशनली यह साल बहुत ही फायदा मिलेगा। किसी भी बड़े निवेश से जुड़ा फैसला अगर लेना है तो उसके लिए अगस्त महीने तक इंतजार करें तो बहुत ही अच्छा रहेगा। इसके बाद स्थितियां आपके काबू में रहेगी, अधिक फायदा होने के चांसेस रहेंगे। शिक्षा व करियर के लिए छात्रों के लिए समय बेहतर साबित होगा। पढ़ाई के प्रति उनकी रुचि बढ़ेगी। कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे छात्रों को इस साल सफलता मिलने की पूरी पूरी संभावना रहेगी, लेकिन उन्हें अपनी एकाग्रता बनाए रखनी होगी। विदेश जाने की बात जो रहे छात्रों का इंतजार इस साल खत्म हो सकता है और उन्हें बाहर जाकर उच्च शिक्षा पाने के मौका मिल सकता है। नौकरी पेशा लोगों को बॉस या उच्च अधिकारियों का सहयोग प्राप्त होगा और जो लोग प्रमोशन के बारे में सोच रहे हैं उनको भी प्रमोशन मिल सकती है। अगर आप नौकरी बदलने की कोशिश कर रहे हैं तो उसमें भी आपको सफलता मिलने की संभावना है। प्रेम संबंधों की बात करें, प्रेम संबंधों में मिठास कायम रहेगी। हालांकि साल के आरंभ में जीवन साथी से मनमुटाव भी हो सकता है, लेकिन आगे चलकर गलतफहमियां दूर हो जाएंगी। जो लोग अभी अकेले हैं उनके लिए भी प्रेम या शादी के प्रस्ताव आ सकते हैं। परिवार के साथ पिकनिक या सैर सपाटे का आपका प्रोग्राम बन सकता है। स्वास्थ्य की बात करते हैं, सेहत को लेकर सिंह राशि वालों के लिए यह साल उतना बेहतर नहीं रहने वाला। छोटी सी लापरवाही भी आपकी सेहत बिगाड़ सकती है। खान पान के प्रति सजग रहें। पेट संबंधी बीमारियां डॉक्टर के चक्कर लगवाने को मजबूर कर सकती हैं। शुद्ध खान पान के साथ साथ रोजाना व्यायाम करें और अपने डाइटिशियन व डॉक्टर की सलाह लेना ना भूलें। आपके लिए सलाह है, सूर्य भगवान को अर्घ दें और शिवलिंग व पीपल के जलाभिषेक करें। पिता या पिता तुल्य व्यक्ति की सेवा करने से बहुत ही लाभ होगा। इसके साथ साथ ही शनिवार को काली वस्तुएं या सरसों का तेल का दान करें। आपके लिए शुभ दिशा पूर्व दिशा है और आपके लिए जो शुभ रंग है लाल, ऑरेंज व पीला। बात करते हैं शुभ अंकों की। 1, 4, 10, 13, 19 व 22 अंक आपके लिए बहुत ही शुभ है। साल 2017 आपके लिए शुभ रहे।